शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया है, दिल टूट। खुशियां कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती हैं, इसलिए आप सब भी इनकी तरह खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहां भी रहें बस मौज मस्ती करते रहें। मैं बता मिस्त्री जी, जान बचाइए, ठंडा गरम के चक्कर में अभी तो आप निपट गए होते। ओह भाई बहन, ऐसी भाभियों ने ही ना यूपी और बिहार के लौंडों को देवर के नाम पर बदनाम कर रखा है। नहीं नहीं भाभी, क्या चाहती हो, निग्रो बुलवा दें? नहीं नहीं अफ्रीकन हप्सी बुलवा दें, बताइए तो। हमारे देश में ना अभी भी एकलव्य हैं, बट उन्हें पहचानने वाले द्रोणाचार्य नहीं है अब। आइडल जैसे तमाम शो चल रहे हैं, लेकिन इन कलाकारों की कलाकारी को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता, क्योंकि भाई साहब ने, मैं बता रहा हूं, पूरा का पूरा तंत्र बिक चुका है, पूरा का पूरा सिस्टम ही बिक चुका है बेंचो, जो ऐसे कलाकारों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाते। हम चाहते हैं कि ऐसे कलाकार वहां तक जाए और वहां जा करके ये पूरी तरीके से हमारा मनोरंजन करें। यहां थोड़ा कम मनोरंजन हो पा रहा है हमारा। और चिचा का यह अनमोल डांस ना, जब काका ने अपने गाने पर देखा तो हिमालय की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। अगर तुम उनका अगला गाना सुनना चाहते हो तो जाओ काका को रोको। यह भोसड़ी का मुर्गा ही है, बस गलती से इसे इंसानी सांचे में ढाल दिया गया है। गाइस, जब इस डांस को ना एक मुर्गे ने देखा तो आइए सुनते हैं उसने क्या कहा मुझसे। प्रदीप भाई, हंजी हंजी बताइए। प्रदीप भाई, यह भोसड़ी वाला बहुत ही उम्दा डांसर है, ऐसा डांस हम मुर्गों के वंशजों ने आज तक नहीं किया, जरूर यह हम मुर्गों के देवता के द्वारा भेजा हुआ कोई बड़ा दूत मुर्गा है। आगे से हे इंसान, ऐसे बेटी चोद मुर्गों को मारकर खा जाना, हम जैसे मुर्गों को बेमौत क्यों मारते हो। इस तगड़े नचनीय मुर्गा के बाद पेश है सुस्त आलसी और सस्ता मुर्गा डांस। बीप बीप, मैं बीच में बीप इसलिए लगा दे रहा हूं ताकि एडिटिंग में भी आसानी हो और फिर आप बाकी समझ ही जाते हैं। बस ये कहना चाहता हूं कि इन बच्चों को किसने बताया कि रात बलम ने कैसी कैसी मारी, और ये चल भी ऐसे रहे हैं कि जैसे किसी ने सच में मारी हो। नाखून में फंसे मैल के बराबर की लड़कियां कमिटेड हो जाती हैं और फिर कहती हैं, मेरा सोना, मेरा बेबी, मेरा बाबू। तुमने जो ये बाबू फंसा रखा है ना, वो बाबू तुमसे 8-10 साल बड़ा है, वो बाबू ना तुम्हें एक बाबू करके दे देगा और लेकर के फिर तुम घूमते रहना। बेटा पढ़ लिख लो, घर पर पता चल गया ना तो मार मार के पिलिया बना दी जाओगी, बदतमीज। ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये मैं बता चचा 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 की दोनों गोटियां ब्लास्ट कर चुकी हैं और भोसड़ी के मैं यहां करके कभी नहीं दिखा सकता। पहले से ही मेरे दोनों आंड सूजे हुए हैं, और चचा ये 20 रुपए वाला पौआ कंपिया करो, नहीं तो चाची भग जाएंगे किसी और के साथ में। आंड भाई, मैं
इसे कहते हैं सुलेमानी कीड़ों का जुनून। बहनचोद मैं नाचूंगा चाहे ना तू मेरी गाड़ी क्यों ना मार ले। और ये बंदे ने ना भाईचारे की तो चाय मोद दी। पूरी वीडियो में सोच रहा था खुल करके गाली नहीं दूंगा, लेकिन अब ना गाली अंदर से कुलबुलाहट कर रहे हैं, कह रहे मालिक बाहर निकालो। मैं बता रहा हूं इन मादर चौधों को बनाने के बाद में भगवान को भी अपनी गलती का पछतावा हुआ होगा कि बनाया तो मैंने इंसान था। पेंचोद ये क्या बवासीर बन गया? मां चोद दी है भैया जी आप तो। सभी को खुश करने वाली भाभी का यह जहरीला नाच जब हमारे यहां के एक लौंडे ने देखा तो फिर मैं बता रहा हूं तुम्हें ये सब भोसड़ी के ना नचनिया ही थे, बस इन्हें ना एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां अब ये तो आइए आज आप लोगों को दुर्लभ नाग नागिन के अद्भुत नृत्य का दर्शन करवाता हूं। वाह बेटे वाह, तुम तो बड़े हैवी नाग नागिन हो। दरअसल यह नाग और नागिन का जोड़ा नागलोक से बिछड़ गया था। अब ये अचानक से यहां आकर के डीजे के स्टेज पर मिले हैं। तो फाइनली इन लोगों के लिए कमरे का प्रबंध करा ही दिया जाए। मुंह तो इधर कर ले। अब मुंह इधर। ऐसे नवयुवकों की दुर्लभ प्रजाति सिर्फ हमारे यहाँ यूपी और बिहार में ही पाई जाती है, जो 20 रुपए का पौआ पी करके 50,000 रुपए में आए हुए आर्केस्ट्रा की मां दोष देते हैं। इस नौजवान भाई को हमारी तरफ से 20 रुपए का पूरा एक अधिक गिफ्ट की जाए। और जिस तरह से भाभी बड़ा निग्रो का चाह रही है, उसी तरह से मैं चाह रहा हूं कि मेरा ये यूट्यूब का ना परिवार बड़ा हो। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज परिवार को थोड़ा सा बड़ा कर दो। अब भाभी को मिले या ना मिले मुझे तुम लोग, अब भाभी को मिले या ना मिले लेकिन मुझे तुम लोग मिल गए हो, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, परिवार को बड़ा करके जाना।